शहडोल जिले के धनपुरी नगर बुढ़ार नगर में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर शहडोल जिले में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार मास्क न पहनने वालों पर 200 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। बावजूद इसके लोग इसे नहीं मान रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। आलम यह रहा कि आज जिले के बुढ़ार तहसील में बिना मास्क के घूम रहे लोगों को 200 रुपए का चालान किया गया। साथ ही लोगों को समझाइश भी दी गई। जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। वहीं लोग बिना मास्क के बाजारों में घूमते दिखाई दे रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव बढ़ने से प्रशासन का अमला भी सचेत हुआ है, जहां पर जिला मुख्यालय समेत बुढ़ार तहसील के बुढ़ार धनपुरी में बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर तहसीलदार भरत सोनी द्वारा अभियान चलाकर जुर्माना किया गया और बिना मास्क पहने घूमने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। सर आज कहे कि चेकिंग चल रही है? आज चेकिंग नहीं चल रही। एक्चुअल में क्या है, जो बिना मास्क लगा के घूम रहे हैं उन पर चालान की कार्रवाई की जा रही है शासन की तरफ से। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में निर्णय लिया गया था कि तो बिना मास्क के घूमते पाए जाने पर 200 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया जाए। जनता को कुछ समझाइश दी जा रही है? जरूर, आपके सामने ही समझाइश दी गई। लोगों को जागरूक किया जा रहा है लगातार मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, शासकीय कार्यालयों में पोस्टर बैनर चिपका करके सभी तरह से। क्या न्यूज़ के लिए शहडोल से ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट।